आपका नजरिया, आपकी आवाज। आजमगढ़ में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो अंतर जनपदी गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से बिलेरो जीप सहित असला कारतूस व 40 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपियों पर संगीन अपराध में एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों में विनोद यादव उर्फ आलोक यादव पुत्र धर्मेंद्र यादव उर्फ धर्मू यादव निवासी गौड़सर थाना जहानागंज आजमगढ़ व मृत्युंजय यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव उर्फ बबुआ उर्फ पहलवान निवासी ग्राम पिंडारी थाना बड़े जनपद गाजीपुर है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के अनुसार शहर कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता व स्वाट टीम प्रभारी नंद कुमार तिवारी को गांजा से भरी बिलेरो जीप आने की सूचना पर गांजा तस्करों को पकड़ने के लिए ग्राम बच्छोपुर के पास सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बिलेरो जीप जो हाफिजपुर की तरफ से आ रही थी को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर बिलेरो में सवार अपराधी द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा बिलेरो सवार अपराधियों को काफ़ी मशक्कत के बाद घेर घार कर पकड़ लिया गया। बिलेरो की तलाशी ली गई तो बिलेरो की सीट के नीचे छिपा कर रखे हुए 45 पैकेट गांजा के बरामद हुए तथा दो अपराधी मौजूद मिले, जिनके कब्जे से एक तमंचा व फायर किया हुआ खोखा कारतूस व चिंता कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ करने पर बताया कि वह लोग उड़ीसा से गांजा लेकर आते हैं और पूर्वांचल में मऊ बलिया सहित अन्य आसपास के जनपदों में ऊंचे दाम पर बेच देते हैं, इससे उन्हें काफ़ी लाभ होता है। गांजा बिक्री के पैसे से ही बेलेरो गाड़ी खरीदी है और इसका प्रयोग गांजा का परिवहन करने में करते हैं। विनोद यादव पर गैंगस्टर भी लग चुका है। देखिए, एक पुलिस के पास पहले से सूचना थी कि कुछ लोग जो कि ये गांजा की तस्करी करते हैं वो यहाँ से गांजा लेके जाने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में कल दिनांक 12/7 को ये एक गैंग पकड़ा गया है जो कि गांजा लेके आ रहे थे। इस गैंग में विनोद यादव और मृत्युंजय यादव जो लोग हैं, पूछताछ के दौरान ये बताया गया है कि मतलब ये वहाँ से उड़ीसा से लेके आते थे और ये मृत्युंजय यादव जो गाजीपुर का अध्यक्ष है, जिस पर पहले से भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये वहाँ पर गाजीपुर में ले जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, बेचता था। ये दोनों ही जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनकी अब लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। विनोद यादव इस पर पहले लूट के भी मुकदमे हैं, गैंगस्टर का भी वो अभियुक्त पंजीकृत है और ये दोनों काफ़ी लंबे समय से इस तस्करी को कर रहे थे। इसमें इस तरीके से पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल की। सर, गांजे की कीमत क्या बताई जा रही है? उनका अन्य जनपदों में भी नेटवर्क है क्या? इनका जो नेटवर्क है वो कई ज़िलों में काम करता है, जैसे आजमगढ़ में ये पकड़े गए हैं और गाजीपुर यहाँ का पड़ोसी जनपद है। और इस जो गांजे की जो कीमत है, 45 किलो गांजा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी करीब 45 लाख रुपए कीमत है। इस तरीके से बड़ी बड़ी जो है रिकवरी है ये, और इसके लिए जो पुलिस टीम है उसको जो है पुलिस अधीक्षक का मुद्दे द्वारा रिवॉर्ड की घोषणा की।